ज्वेलरी खरीदते हैं, बीवी का जन्मदिन हो ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं, और ज्वेलर भी कोई बात नहीं ले जाइए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए, न बिल देना न लेना न कोई हिसाब रखना कुछ नहीं साहब, चल रहा था नहीं चल रहा था, सब कैश चलता था कि नहीं चलता था, ये कोई गरीब लोग करते थे क्या, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। इसका भी विरोध हुआ था, आप हैरान होंगे आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर, आधे से ज्यादा मुझे यह कहने के लिए आए थे कि मोदी जी ये नियम मत लगाओ, और कुछ लोगों ने तो चिट्ठी लिखित में मुझे चिट्ठी लिखने की हिम्मत की है, जिस दिन मैं उसको पब्लिक में करूंगा शायद पता नहीं वो अपने इलाके में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जेवरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि भाई आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर है वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। भाइयों बहनों, हमने एक और काम किया, पहले की सरकारों ने भी किया था, ये जो ज्वेलर्स है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहां सोना वगैरह की बात कर रहा है, उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी, पहले सरकार ने लगाने की कोशिश की, बहुत कम लगाई थी, लेकिन सारे ज्वेलर, ज्वेलरों की संख्या बहुत कम है, एक गांव में 1-2 ही होते हैं, बड़े शहर में 50-100 होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बड़ी गजब है साहब, अच्छे अच्छे एमपी उनके जेब में होते हैं। और ज्वेलरी पर जब एक्साइज लगाई तो मेरे पर इतना दबाव आया, एमपीओ का दबाव, डेलीगेशन, हमारे परिचित साहब, ये तो सब इनकम टैक्स वाले लूट लेंगे, ये तबाह कर देंगे, ऐसे ऐसे बताते थे, मैं भी डर गया कि यार मैं ये करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करो भाई, 2 कमेटी बनाते हैं, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, सरकार की तरफ से जिन उन पर उनको भरोसा था, ऐसे एक्सपर्ट कमेटी बनाई। पहले वाली सरकारों को ये प्रयास वापस लेना पड़ा था, साहब मैं ईमानदारी से देश चलाना चाहता हूं, मैंने वापस नहीं लिया, मैंने ज्वेलरों को विश्वास दिलाया कोई आपसे ज्यादती नहीं करेगा, और अगर कोई इनकम टैक्स वाला ज्यादती करता है आपने मोबाइल फोन से उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। ये कदम हमने उठाया था, जिनको पता हो, यह सारा देख करके समझ नहीं आता था क्या मोदी क्या करेगा आगे, लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह यह भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ
देश के लिए छोड़ा है।